चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन है। अभी तक हम बेसिकली फोर्सेस, न्यूटन लॉज और ये सब डिस्कस कर चुके हैं। हमने वेलोसिटी, एक्सीलेशन इन डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लास्ट लास्ट टॉपिक हमने वो देखा था। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन आपको पता ही है, एक टू डायमेंशन मोशन है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि अगर ये रेडियस वेक्टर है तो हमारा ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन होने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी होती है, राइट? ये हमें पता है। सेंट्रीपेटल फोर्स ही होती है वो, जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और वो जरूरी है एक सर्कल को शेप देने के लिए। अब ये जो सर्कल यूनिफॉर्म हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड पे डिपेंड करता है। हमें इतना तो पता ही है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो स्पीड चेंज होगी कि नहीं, उससे दो डेफिनेट अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। अगर स्पीड ये वी, अगर ये कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलता है तब उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। वेरिएबल स्पीड होता है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में ही आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपेटल फोर्स नेसेसरी है। ठीक है, टर्म रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन क्या है? देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है लेट से, तो ये जो बेसिकली ये एंगल जो वो सबटेंड करता है उसको यूजुअली मतलब हम रेडियंस में लेते हैं। ये हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, तो ये जैसे नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है एंगल के उसमें हो रही है, तो हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। डेल्टा थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इनफाइनाइट से मिली स्मॉल अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी थीटा। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, देखो यहाँ पे हमने छोटा कर दिया ना, डी थीटा बाई डी टी। अब ये इसका वेरिएबल है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तभी हमारा ओमेगा भी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, अब यहाँ से देख सकते हो कि हाँ ये डेल्टा मतलब ओमेगा की डेफिनेशन के एट एन इंस्टेंट कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमें क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी देगा। ठीक है, ये जो एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर मतलब अब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में बेसिकली मोशन हो रहा है लेट से ऐसे, तो ये बाहर की तरफ एक्सिस, एक्सिस की तरफ जो वेक्टर आता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, गिवन बाय द राइट हैंड रूल, रेडियंस पर सेकेंड इसकी यूनिट है। ठीक है, इससे सिमिलरली आपको पता ही है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी हमने डिस्कस करा ही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होती है। देखो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होती है सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे होती है, ए आर, ये हमारी स्पीड हो गई। ठीक है, तो आर के ऑपोजिट होगी बेसिकली सेंट टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, ये हमारा ए आर हो गया और ये नेसेसरी है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ए आर और एक ए टी होता है, वो ऐसे भी हो सकता है, मतलब जो टेंजेंशियल वेक्टर है वो स्पीड, अगर वो वेलोसिटी डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगी। तो अगर मान लो ए आर और ए टी है तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे ये वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई रखा है। देखो अगर सर्कुलर मोशन लिया है डी वी बाई डी टी जीरो होगा, तो ए सी वी स्क्वायर बाय आर ले लिया पार्टिकल, दस इफ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड बी, देन इट्स एक्सेलरेशन इज, और ए सी होता है वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है जब। अच्छा, फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन क्या क्या होता है हमें पता है। एक सेंट्रीपेटल फोर्स होता है जो हम टुवर्ड्स द सेंटर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, और नो डाउट सेंट्रीपेटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, अगर हम नॉन सर्कुलर मोशन लेते हैं तो भी सेंट्रीपेटल फोर्स, बेसिकली सर्कल की एक शेप बनाने के लिए हमें सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन विच गिवन बॉडी इज मूविंग। सेंट्रीपेटल फोर्स वही मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स हो गई। यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर, बेसिकली देखो इसको ओमेगा, इसको हम एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और आपको पता ही है ओमेगा 2 पाई f होता है, तो हमने वो लिख दिया है और 2 पाई बाई t भी बेसिकली, तो उससे हमें ये मिल गया है। वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एज इट इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी हेंस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, राइट?
तो हमारी जो फोर्स और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसलिए वर्क डन बाय सेंट्रिपेटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है सेंट्रिपेटल फोर्स ना स्पीड बढ़ा सकती है ना घटा सकती है, तो डेफिनेटली वर्क डन बाय इट इज जीरो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करा भी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मान लो रोटेशंस हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है और आप उधर हो और आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, है ना, आप उस पर हो, सर्कल मूव कर रहा है तो आप वहीं खड़े हो, तब आपको जो बॉडी है वो रेस्ट पे दिखती है। लेकिन जब हम न्यूटन लॉ लगाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, राइट? क्योंकि न्यूटन लॉ के हिसाब से तो सेंटर में एक फोर्स होनी ही चाहिए, राइट? लेकिन तुम देखते हो तो बॉडी मूव नहीं करी, तो तुम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो एक सूडो फोर्स लगाओगे जस्ट टू समझना कि चीजें समझ आए आपको, ठीक है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो वो जो फोर्स है बेसिकली, मतलब लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उसके साथ मूव रहे थे, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। एक होता है कोरिलिसिस फोर्स। अब कोरिलिसिस फोर्स क्या होगा? ऑन इट एक्ट्स ऑन पार्टिकल्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम प्रोवाइडेड पार्टिकल्स आर नॉन जीरो। अभी पिछले केस में देखा था कि उस पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी थी, बट यहाँ पे जो पार्टिकल है वो नॉन जीरो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। अगर तुम वहां खड़े हो तब भी तुम्हारे हिसाब से उसकी एक वेलोसिटी है, ठीक है? तो ये जो है कोरिलिसिस फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम जो है, मतलब दिस इज कोरिलिसिस फोर्स एक्ट, मतलब आप अगर स्टेटमेंट लिखो कोरिलिसिस फोर्स एक्ट्स ऑन दोज पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम भी वो मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम वो रेस्ट पे है, जैसे अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। सो डायरेक्शन ऑफ कोरिलिसिस फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो डिटेल्स अगर आपको समझनी है कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, वो आप हमारे कोर्स में समझ सकते हैं, वो पूरे डिटेल्स हमने इसको समझा रखा है। तो ये हमारा कोरिलिसिस फोर्सेस का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोरिलिसिस फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं ओमेगा और वी से। ओमेगा है रोटेटिंग फ्रेम का ओमेगा, और वी जो है कि हम जिस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी, ठीक है? तो ये हमारी कोरिलिसिस फोर्स हो गई। राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो कोरिलिसिस फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वर्क डन। वर्क डन आपको पता ही है क्या होता है, कि ऐसे हम लिखते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। जब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम सिंपल लिख देते हैं एफ डॉट एस, ठीक है? फोर्स एस के हिसाब से वेरिएबल नहीं है तो हम सिंपल ये लिख दिया। अगर फोर्स और मतलब फोर्स जो है एस के कंपैरिजन में फिर अब डिपेंडेंट है, तो फिर हमें इंटीग्रेशंस करनी पड़ती है एफ डी एस करके, ऐसे हम इंटीग्रेशंस करते हैं, ठीक है? तो सिंपली ये फॉर्मूले जो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़े ही हैं, ठीक है? एसआई यूनिट जूल होती है, ये फॉर्मूला हो गया। एक बॉडी है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तीन टाइप वर्क, एक सेलर क्वांटिटी तीन टाइप हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है? तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब ये एंगल एक्यूट होगा, राइट? अगर ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव वर्क है। ऑफ कोर्स ये जो नेगेटिव वर्क है दैट मीन्स इसकी स्पीड घटाएगा, ये पॉजिटिव वर्क इसकी, क्योंकि इसका कॉम्पोनेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। जीरो वर्क जब ऐसे परपेंडिकुलर ले लो आप, जैसे एफ और एस में परपेंडिकुलर कॉस 90, तो हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब दे रखा, देखो एक्यूट होगा तो हमारा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क जब ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है? वर्क डन कैन, वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है? या तो फोर्स ही नहीं अप्लाई कर रखी, हो सकता है फोर्स अप्लाई कर रखी है, ठीक है? ऑल्दो द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन बॉडी बट इट्स अनएबल टू कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? मान लो फोर्स जीरो नहीं है बट एस जीरो है, एस जीरो है, तब वर्क डन जीरो हो जाएगा। फिर फोर्स फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट है बट और एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? तो ये हमारा केसेस हो जाएंगे कब वर्क डन जीरो हो सकता है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वही कि फोर्स विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एस का फंक्शन है लेट्स से, तो या दोनों टी के फंक्शन है कुछ भी, मतलब उसमें फिर केस में आपको एफ डी एस वाला ग्राफ एरिया अंडर द कर्व आपको पता है, इंटीग्रेशन देता है, तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। देखो फोर्स कंजर्वेटिव कब कहलाती है? वर्क डन बाय इट और अगेंस्ट द फोर्स। वर्क डन जब वो फोर्स करती है अगेंस्ट उसके वर्क होता है, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ पाथवे मतलब कैसे वर्क डन हुआ है उस पर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है? बस ये पता है कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तब वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे आप ग्रेविटी का बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि ये हमारा जो, मान लो ये नीचे आ रहा है,
ठीक है, ब्लॉक। तो दोनों में आपको पता ही है कि वर्क डन MGH होगा अगर मैं ऐसे भी छोड़ दूँ सिंपल, क्योंकि इनिशियल और फाइनल इस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, राइट। तो ग्रेविटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और ये चीज़ें हमने काफ़ी अपने कोर्स में डिटेल में डिस्कस करी है कि कैसे इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर ही डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेज के एग्जाम्पल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, पाथ कह लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गई, विस्कस फोर्स हो गई, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, ठीक है। ये हमने क्लास में भी ऐसे ही डिस्कस करा है कि जब मान लो बॉडी यहाँ से आ गई तो फ्रिक्शन ऐसे पीछे है, तो वर्क डन माइनस एफ एस होगा, और फिर वो मान लो वापस आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोबारा वर्क डन। तो दोनों हो सकता है कि बॉडी यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस आई, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, लेकिन अगर आप वर्क निकालेंगे तो वो -2 Fs हो जाएगा, राइट। क्यों, इधर से इधर गया था तो फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अभी 180 डिग्री एंगल था, और जब वो वापस आ रहा था तब भी डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन में बेसिकली 180 डिग्री एंगल है। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे, अगर फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन के सेम है तो वर्क डन जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी फॉर बॉडी टू डू द वर्क। हमें पता है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट डायमेंशन वर्क जितनी ही होती है एनर्जी की, जूल होती है ऑफ कोर्स, राइट। और ऑफ कोर्स इसके जो डायमेंशन है आपको पता है MLT L2 T^2। फिर काइनेटिक एनर्जी, कैपेसिटी फॉर बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, की ऑलरेडी मतलब बेसिकली वो मोशन में है चीज, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, मोशन पोजेस करता है एक बॉडी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू पता चलता है। ये उसका फॉर्मूला है सिंपल, हमें पता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव हो गई चाहे वेलोसिटी, ये बेसिकली यहाँ स्पीड है। सो आप देख लो कि कुछ भी वेलोसिटी हो जाए, हमारा काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन देखना है तो ये हमने यहाँ पे रिलेशन लिख रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बाय मतलब कि कॉन्फिगरेशन क्या है। सो पोजिशन या कॉन्फिगरेशन की वजह से जो हमारी एनर्जी पोजेस करती है एक बॉडी, वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च ऑफ इट्स पोजिशन और ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी को म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन चेंज इन, बेसिकली आप ये बोल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा रेफरेंस पॉइंट मैंने इन्फिनिटी ले रखा है तो चलो यू ही लिख दिया, ठीक है। तो क्योंकि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डी यू इज मतलब जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो -DU होता है, ठीक है। सो वर्क डन बाय बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू -DU। तो अब मान लो एक ये F.dr हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी से कहाँ से लेके आ रही हूँ, आर, इसको मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ डी यू लिख दिया। हमें पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यहाँ यू होगी, तो यू -0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -∞ R F.dr, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैसे, अगर आपको मतलब बेसिकली डेफिनेशन हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम बिगिनिंग अ पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। बट हाँ, इसके में आप याद ये देख सकते हो, है वो स्केलर क्वांटिटी बट स्टिल वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का भी मतलब है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर गिवन बिलो, कैसे कैसे पोटेंशियल जो आप पढ़ते, देखो आपको पता है ग्रेविटी, ग्रेविटी एक हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसका देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको नेगेटिव उसमें मिलता है। सो इट्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये डेफिनेशन है हमारे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। फिर ये आपने ग्रेविटी वाले, अगर आपको याद है कि बेसिक आपने पढ़ा था कि भाई चेंज इन, अगर मैंने यहाँ से उठा के एट अ हाइट ले गई फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम जो होगा ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्योंकि हम जब नियर अर्थ, क्योंकि यूजुअली एच वेरी वेरी लेस देन आर होता है तो हम लिख देते हैं MGH, बट एक्चुअली वो नहीं है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है, बट क्योंकि हम नियर अर्थ वाले ही लेते हैं, एच बहुत कम लेते हैं, तो हम जब हम क्वेश्चन यूज करते हैं तो हम यूजुअली आपको दिखा होगा ये फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट ये फॉर्मूला है, दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट एच, MG इज रियली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके। सो फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, हम यूजुअली इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है, इसको जीरो मान लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट। जब अब
बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस। आप पोटेंशियल एनर्जी यूजली आप देखेंगे इन चीजों के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से लेते हैं और निकाल देते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, हमने काफी बार डिस्कस करा है ये। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी आपको पता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ अ स्प्रिंग। सो मतलब जैसे आपने स्ट्रेच कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, तो क्या होता है कि वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। हमेशा जो आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है हमारी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? तो वर्क डन उस केस में होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड ये जो वर्क डन है बेसिकली हमारा, आप देख ही सकते हैं, ये सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। वर्क डन, आप वैसे आप यहाँ बोल सकते हैं कि वर्क डन यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है? वर्क डन यहाँ नेगेटिव होता है क्योंकि स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है। और वो जो नेगेटिव वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन डेल्टा, मतलब हमें पता है कि डी इज इक्वल टू माइनस डी यू। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हाँ, जो भी चेंज इन वर्क डन हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क करता है स्प्रिंग फोर्स, तो ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है सिस्टम में, ठीक है? स्ट्रेच कर दिया, ये हमारा इंक्रीमेंट, स्ट्रेच कर दिया फ्रॉम एक्स वन टू फाइनल पोजिशन, तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इनको आप यूज करके कहीं भी, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपने कहीं कितनी बार पढ़ा है कि भाई, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपकी क्लियर है, तो आप काफी चीजें, काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स के बहुत सारे एंट्रेंसेस में। तो ये क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है? कंजर्वेटिव हो गई, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, जितने भी वर्क डन बाय फोर्सेस इज नेट इन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? सो वर्क डन बिफोर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, ठीक है? तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप इसको बहुत अच्छे से समझें। इसके क्वेश्चंस हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में हमने कोर्स में डिस्कस कर रखे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अब एक ये भी है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करेगी तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो बेसिकली वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करेगी, ठीक है? और आप तुम ये बोल सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यूजली डिक्रीज करती है, मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज करती है, ठीक है? तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव है, तो मैकेनिकल एनर्जी ये बेसिकली जीरो होता है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है? पावर क्या होता है, देखो, इट्स अ क्वांटिटी दैट मेजर द रेट एट विच वर्क इज डन। ये हमारा एवरेज पावर हो गया, जितना छोटा टाइम स्पैन होगा, जितना छोटा टाइम स्पैन में वो एक बॉडी वर्क करेगी, उतना ज्यादा उसका पावर होगा, ठीक है? पावर एक स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट वॉट होती है, ठीक है? घरों में खैर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो यूज होती है वो किलोवाट आवर में होती है, तो वो एनर्जी होती है। पावर यूजुअली जैसे बल्ब हम वाट में मेजर करते हैं, तो वो बेसिकली पावर है, ठीक है? इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर निकालने, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डब्ल्यू विच इज FdS, तो आप ये देख सकते हो, ये इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यूजुअली यूज्ड, अगर आप देखें यूनिट्स ऑफ पावर, तो 1 किलोवाट हमें पता है 10^3, 1 मेगावाट 10^6, और हॉर्स पावर इज 746 वॉट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यूजुअल यूजुअली ऐसे मेजर होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिजन्स। तो हमें पता है फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज इन विच ईच इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट अपॉन ईच अदर कॉजिंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, उसको हम कोलिजन कहते हैं। बेसिकली डेफिनेशन है कि फिजिकल इंटरेक्शन होता है, कोलिजन में इक्वल फोर्सेस लगते हैं, ठीक है? ये इस पे इस डायरेक्शन में लगाता है, तो ये इस पे वापस इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है? ठीक है, तो अगर इस पे एफ ऐसे लग रही है, तो इस पे वापस एफ लगेगी जब कोलिजन होगा, ठीक है? कॉजिंग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक, होता है इन इलास्टिक, ठीक है? इलास्टिक में बेसिकली क्या होता है, दोनों केस में मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है? लेकिन एक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और एक में नहीं होती। तो इलास्टिक एनर्जी में, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इलास्टिक में नहीं, ठीक है? इलास्टिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई दो
बिफोर कोलिजन एक बॉडी U1, और आपको पता है U1 इज ग्रेटर देन U2 होना चाहिए, तभी तो इसके टकराएगा, और फाइनली V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, तभी ये आगे जा रहा है, ठीक है। इससे ये इंटरेक्ट करेंगे, इसकी एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी घटेगी, ठीक है। तो एनीवेज टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिशन रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। टोटल एनर्जी बिफोर, टोटल एनर्जी आफ्टर अनचेंज रहती है इलास्टिक कोलिशन में, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक इक्वेशन लिखी है मोमेंटम की और दूसरी इक्वेशन लिखी है एनर्जी की, उससे हमें फाइनली, और वो भी नहीं तो हमें पता है कि कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये 1 होता है इलास्टिक कोलिजन में। तो एक यहाँ से आप ये इक्वेशन लेते हैं और एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लेते हैं, तो आपको ये दो इक्वेशन मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इट्स अ सिंपल शॉर्टकट डायरेक्टली अगर आपको V1 V2 निकालना, मतलब फाइनल स्पीड निकालनी है ना इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। फिर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, अगेन इसमें भी आपको पता है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन आपको यहाँ 2 एक्सेस में, एक एक्स एक्सेस में मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, एक वाई एक्सेस में, ठीक है। तो M1 M2 को टकराया, M1 इस डायरेक्शन में गया, ये थीटा और ये फाई है, सिंपल सी बात है, अलॉन्ग द एक्स एक्सेस लेंगे तो इनिशियली देखो M1 ये U1 स्पीड में था, ये U1 स्पीड में है, अब ये U2 स्पीड में है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 ये फाइनल स्पीड हो गई, ये एंगल ले लिया हमने। आपको पता ही है कि इन इसका इधर कॉस थीटा कंपोनेंट ही होगा ना, और फिर वाई एक्सिस में तो इनिशियली इधर वाई कंपोनेंट तो है नहीं मोशन का, तो ये बैलेंस करना पड़ेगा, वो आप 0 कर देंगे, ठीक है। और टोटल एनर्जी इलास्टिक को ले जाना, तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो ये इक्वेशंस बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन तभी सॉल्व, देखो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड इधर द वैल्यू ऑफ, या तो इसकी इसकी वैल्यू नोन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन के एनालिसिस है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, तो इनलास्टिक कोलिजन में ये E < 1 होता है, मतलब V2 - V1 / U1 ये < 1 होता है। अगर ये 0 होता है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, और इसमें फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये चीज ऊपर की 0 हो जाएगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी स्पीड दोनों की सेम हो जाएगी, तो चिपक के चलेंगे साथ में, ठीक है। तो ये फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ये बेसिकली आप बोल सकते हो परफेक्टली, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर मतलब ये तब होगी, देखो अगर इन इस ये एक आया मास और ये दूसरा वाला जो ये 0 है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारी जो कॉमन स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी, मतलब एक आया और वो रेस्ट पर पार्टिकल पर टकरा गया, तो और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी कॉमन स्पीड हो जाएगी, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ½mr²। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड मास, ठीक है। देखो अगर दोनों में इनिशियली V1 और V2, ये जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है, ये तो ऑफ कोर्स इसमें V2, इसमें आप ये चीज करेक्ट कर लीजिए, V2 0 होना चाहिए तब ये फॉर्मूला आया। और ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में अगर दोनों, देखो अगर दोनों में मान लो ये V1 A2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, तब आप ये लिख देंगे अगर V2 = 0 है, तो ये हो जाएगा फिर हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है, आप इधर से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अभी हमने डिस्कस कर रखा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये फॉर्मूला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की E1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E = 0 होता है, और अगर less than 1 है तो उसको हम पार्शली इलास्टिक या सिंपली बोल दो इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो आपको पता है ये मैंने बता दिया कि कॉमन स्पीड होगी। फॉर इलास्टिक कोलिजन देखो, जैसे हमने वो पहले इलास्टिक कोलिजन वाले फॉर्मूले, उसमें थोड़ा ई वाले फैक्टर्स आ जाएंगे और ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी आपको होना चाहिए, इसका भी आइडिया आपको याद होना चाहिए, तो आप इधर से ही वो वाले फॉर्मूलेज भी डिड्यूस कर सकते हैं, सिंपली पुटे E = 1, ठीक है। इफ अ पार्टिकल मास मूविंग विद वेलोसिटी यू हिट्स एन आइडेंटिकल स्टेशनरी टारगेट, देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड टारगेट आर कोरिलेटेड एज दिस। एक तुमने मास ले लिया v स्पीड में आ रहा है, आइडेंटिकली टारगेट को एक आइडेंटिकल है, इसका भी मास m है, तो जो फाइनल वेलोसिटी का जो बेसिकली रेशियो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और U2 0 मतलब ये रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा एक शॉर्टकट आपको
आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जिसको आप याद कर सकते हैं। अगर अगर आप एक्सट्रीम इनलास्टिक कोलिजन लेते हैं, इन विच कोलिजन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, जो इसको हमने परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, तो ये वही हो गया। देखो ये m2 रेस्ट पे है, तो ये हमारा कॉमन वेलोसिटी, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ गया है। ठीक है, तो अगर आप रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो रेशियो आप देख सकते हैं, देखो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो ये बिफोर एंड आफ्टर है, और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट वो हो गई एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, तो जो पार्टिकल रेस्ट पे वो ऊपर आएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन निकालना काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का, तो जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उस पर डिपेंड करता है।